हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या होता ना, अब नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हो तो उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सोल्यूशन भी दे रखे होते हैं। ट्यूशन भी होता है, उसका सोल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रहे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे से छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो इधर कहां पर, ये इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको। ठीक है, तो ये सवाल आप कर रहे हैं, इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहाँ पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहाँ आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर नहीं 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया है पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54, यू करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। हमारा चैनल है अकाउंट संडा और कॉमर्स 365, जहाँ हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट संडा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है, और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूँ इस सीरीज को लेते हुए। तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना सचिन पारिक SP, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो ट्यूशंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन SP, SACHIN SP दोस्तों आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा Accounts BFF, ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे,
लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्ला सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फिर भी फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट सद्दा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चन एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स, मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है ये रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11th या क्लास 12th सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, 100+ कोर्स यहां पर दोस्तों अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन SP। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती है, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक, फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस में जाना, और किसके ऊपर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन प्लस और आइकोनिक, जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं। आइकोनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स, प्लस के पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट्स के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। वन मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा 4,500 रुपीज पर मंथ है। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कम्पीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1,250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन SP या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट, प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीज ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीज, पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेवें। प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बेट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11 12th के लिए होने वाला है 4th of July को, दोपहर 1 बजे, जरूर ज्वाइन करें। कोड एंटर कर देना सचिन SP एनरोलमेंट करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना सचिन SP 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को लोग भी आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है। तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं, हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य, हमारा मेन जो पर्पस है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 out of 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारे क्लासेस देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। चलिए दोस्तों हमारे TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, फिर इसके घपले को भी अपन समझने की पूरी पूरी कोशिश करें। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2020-2021, 2021 वाला साल है।
जो आपको अमाउंट क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। किससे रिलेटेड है? एक क्लब से रिलेटेड है। पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है 19,50,000 रुपए, जो आपको लिखा हुआ है कि इंक्लूड करता है 50,000 19-20 का, 75,000 21-22 का और 25,000 22-23 का। यहाँ पर मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, यहाँ पर चार सालों की बात हो रही है। कौन कौन से साल है दोस्तों आपके सामने? एक साल है 2019, एक साल है आपके 2020, है ना, 2019 नहीं सॉरी, हिसाब से 2019 भी है, 2020 भी है, एक साल है आपके 2021, एक साल है 2022 और एक साल है 2023। 2019 को मैं यहां से निकाल देता हूं क्योंकि 2019 के यहां पर कोई बात नहीं है, 2020 से ही है सब कुछ, ठीक है। आप यहां पर दोस्तों देखना चाहें तो आपके अभी साल कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है, मतलब जो हमारा 2021 है वो आपकी क्या हो जाएगा? ये आपका करंट ईयर हो जाएगा, इससे पिछले वाला आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, इससे अगले वाला आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा और इससे अगले वाला आपका नेक्स्ट से भी नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। समझ गए यहां तक? हेलो, गुड इवनिंग जाटव जी, हरप्रीत जी आपका स्वागत है। क्या बोला? आपको पूरे साल में पैसे मिले 19,50,000। आपको पूरे साल में कितने पैसे मिले? 19,50,000 दोस्तों आपको पूरे साल में मिले, जिसमें से आपको बोला कि 50,000 है साल 19-20 के, मतलब इसके टुकड़े करते हैं अपन। 19-20 का मतलब क्या होता है? 19-20 का मतलब होता है साल 2020 के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर है कितना पैसा मिला है आपको? 50,000 रुपीज का यहाँ पर जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है। समझने की कोशिश करें, अभी भी सवाल समझ रहे पर अभी इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? 75,000 फॉर 21-22, आपके जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ है 75,000 आपके लिए 2021-22 के लिए, मतलब यार ये कौन सा साल है, ये आपके 2022 आ जाएगा। 2022 के लिए कितना पैसा रिसीव हुआ है? 75,000 रुपीज। इसके बाद में क्या? इसके बाद में दोस्तों दे रखा है कि 25,000 फॉर 22-23, 25,000 आपके मिला है, 25 है क्या या 23 है? 25,000 आपके 22-23 के लिए, यानी जो साल 2023 है ना, उस साल 2023 के लिए आपको 25,000 रुपीज यहाँ पर रिसीव हुए हैं। इनकी टोटल कितनी होगी मुझे नहीं पता, आपको यहाँ पर साल के चार टुकड़े करने थे। साल के कितने टुकड़े करने थे? चार। कौन कौन से? 2020, 21, 22 और 23। अपन यहाँ पर टुकड़े किए 20 का, बता दिया कि ये आपका कौन सा पैसा है, ये आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। करंट ईयर का कितना है अभी पता नहीं, लेकिन 2022 बोले तो ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट दे रखा है 75,000, ये आपके दे रखा है नेक्स्ट से भी नेक्स्ट ईयर का अमाउंट 25,000 रुपीज। तो जो पैसा बचेगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जो पैसा बचेगा वो आपका करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? यानी आपकी जो एक और इसमें से शाखा अपन बाहर निकालेंगे, जिस शाखा का नाम होगा साल 2021, जो कि हमारा हो जाएगा करंट ईयर, और इस करंट ईयर का पैसा कितना हो जाएगा वो अपन कैसे करते हैं? जो भी आपके पास टोटल पैसे हैं अब निकाल दो पिछले और अगले साल वाले पैसे। पिछले साल का कितना है? 50,000 रुपए। आने वाले साल का है 1,00,000 रुपए, क्योंकि ये कितना है? ये 25 + 75 + 25 + 50 होता है। तो आप 1950 में से 1,50,000 निकालेंगे तो आपके सामने बचेगा 18,00,000 रुपीज, और ये 18,00,000 रुपीज दोस्तों आपके क्या आ जाएगा? करंट ईयर का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। मैं बात सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? यहां तक क्लियर है? ये पैसा दोस्तों आपको करंट ईयर का कैश में रिसीव हुआ। किसमें रिसीव हुआ है? कैश में। लेकिन सिर्फ कैश से बात नहीं बनती है, आप कैश के अंदर प्लस करते हैं आपका जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो भी इसमें प्लस करते हैं, जो आपका एडवांस आपको पहले से मिल चुका है वो भी, तब जाकर करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है। ये तो कैश वाला था, आउटस्टैंडिंग कितना है या फिर एडवांस कितना मिल चुका है उसके बारे में अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020। कितना दे रखा है आपको? साल 2020 की स्टार्टिंग में, एंड मतलब 2020 की स्टार्टिंग, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है ना 2021, इसकी स्टार्टिंग में ओपनिंग के अंदर आपको दे रखा है। जो आपको एडवांस पैसा मिला हुआ है, एडवांस पैसा कितना मिला है? 87,500 रुपीज आपको एडवांस मिला हुआ है, जिसमें से आपको साफ साफ बोला है कि 37,500 रुपीज कौन साल के लिए है? 21-22 वाले साल के लिए है। यानी अगर आप एडवांस की बात करें, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन एडवांस की बात करें, तो एडवांस के अंदर दोस्तों आपको कितना पैसा मिला हुआ है? एडवांस के अंदर आपको टोटल पैसा मिला हुआ है 87,500 रुपीज। कितना है? 87,500 रुपीज आपको पूरा ही मिला हुआ है एडवांस का, जिसमें से आपको बोला है, क्या बोला है कि जिसमें 37,500 आपके साल 21-22 के लिए है। करंट ईयर कौन सा? करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर 2021 है।
21 22 कौन सा है, 21 22 तो हमारा अगला साल है, मतलब जो आपको जो दोस्तों एडवांस पैसा मिला ना, इसमें से कुछ पैसा तो आपके करंट ईयर का है और कुछ पैसा आपके नेक्स्ट ईयर का। पहली बात तो ये आपका क्या है, ये आपके एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्या है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं। कुछ पैसा करंट ईयर से रिलेटेड है तो कुछ पैसा आपके आने वाले साल से रिलेटेड है। कितना आपका है, कितना है आप अच्छे से देख सकते हो, आने वाले साल के लिए है 37,500। कितना है, 37,500 है। तो बचा हुआ पैसा किसका है, बचा हुआ पैसा हमारे करंट ईयर का है 50,000 रुपीज। दोस्तों आप यहाँ पर करंट ईयर का दिखा देंगे, ये पैसा कौन सा हो जाएगा, मैंने कहा था आपको कि जो भी आपका करंट ईयर की इनकम होगी, इस करंट ईयर की इनकम के अंदर अपन कैश को ऐड करेंगे, कैश के बाद में आउटस्टैंडिंग को भी ऐड करेंगे और एडवांस को भी अपन ऐड करेंगे। एडवांस जो आपको पहले से मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है एडवांस आपको, 50,000 रुपीज पहले से मिला हुआ है। हिसाब से देखा जाए तो एडवांस तो 87,500 आ रहा है, लेकिन वो पूरा एडवांस हमारे करंट ईयर का नहीं है, पूरा एडवांस करंट ईयर का नहीं है। करंट ईयर का सिर्फ कितना है, करंट ईयर का है 87,500 माइनस 37,500। जो पैसा बचा है वो करंट ईयर का, जो बाकी पैसा बचा वो आने वाले साल का आपके तरीके से एडवांस बैलेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, क्वालिटी किस चीज की हर्ष जी हमारे इसमें, वैसे भी आपको अनअकैडमी के ऐप के ऊपर आपको जो क्वालिटी है बिल्कुल नॉर्मल मिलती है, डेटा यूज बहुत कम होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को जो सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यानी आपके ये क्या है, ये आपका आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है और ये आपके आउटस्टैंडिंग का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। आपके साल के शुरुआत के अंदर पैसे बकाया कितने थे, 1,00,000 रुपए दोस्तों आपके बकाया थे। समझने की कोशिश करना, साल की शुरुआत में आपके पैसे बकाया कितना था, साल की शुरुआत में पैसा बकाया था 1,00,000 रुपए। आपको मिल गया कितना, मिल गया दोस्तों देखो देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, आपको पिछले साल का 19-20 के लिए 50,000 रुपीज आपको मिल चुके हैं। बकाया कितने थे, पिछले साल के दोस्तों आपके बकाया थे 1,00,000 रुपए, जिसमें से आपको मिल गए कितने, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज दोस्तों आपको मिल गए। तो अभी भी कितना बकाया है, 50,000 रुपीज दोस्तों अभी भी आपके बकाया है। यानी अगर आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो जो आपके दो प्रकार के बैलेंस दिखाते हैं, एक तो ओपनिंग और एक जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जाता है। ओपनिंग कितना, ओपनिंग होना तो चाहिए आपके सामने 100 के, लेकिन उसमें से 50 आपको रिसीव हो चुका है, तो 50,000 रुपीज आपके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है 1,25,000 रुपीज आपके दे रखे, बस आपको दोनों का आपस में क्या करना है, डिफरेंस कर देना है और आपको बता देना है यहाँ पर तीसरे वाले अमाउंट में दिखा देना। आपको पता है हमारा जो ओपनिंग होता है उसको तो अपन क्या करते हैं, लेस करते हैं। जो हमारा एडवांस होता है उस एडवांस को अपन क्या करते हैं, उस एडवांस को अपन यहाँ पर ऐड करते हुए काम करते हैं, मतलब सॉरी जो क्लोजिंग होता है उसको ऐड करते हैं, जो हमारा ओपनिंग होता है उसको अपन क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझना जरूरी है, आपको ऑलरेडी दे रखा है, ऐड लेस करने की बात आने से पहले आपको ध्यान समझने की जरूरत है। क्या है वो, आपको साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया कि जो भी तेरे को पैसा मिला है ना, 19 लाख और कितना, 50,000 रुपए, उसमें से साफ साफ बोल दिया पिछले साल का पैसा कितना मिला है, 50,000 रुपए ही आपको पिछले साल का मिला। अगर कुछ भी नहीं बोलता तो अपन क्या मानते कि पूरा का पूरा 1,00,000 मिल गया और पूरे के पूरे 1,00,000 को अपन उसमें से लेस कर देते, यानी आउटस्टैंडिंग का जो ओपनिंग है ना उसको अपन लेस कर देते। लेकिन अगर आपको जब बोल दिया कि 50,000 रुपए पिछले साल का मिला है, तो अब जो आउटस्टैंडिंग आपके है ना ओपनिंग बैलेंस, उसका आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये जो अमाउंट है ना, आप इसको फिर से लेस नहीं करेंगे, इसको आप डायरेक्टली कहाँ शो करेंगे, आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे कि 50,000 रुपए पिछले साल के अभी भी बाकी है। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है कितना, 1,25,000, अपन ये मान के चलते हैं ये पैसा अभी बकाया है, ये पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है 1/25। तो इस 1/25 को दोस्तों अपन क्या कर देते हैं, इस 1/25 को दोस्तों अपन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो अमाउंट है बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से 19-75 है क्या, नहीं तो अपन दो तीन तरीके हमारे पास, सभी तरीकों से करने की कोशिश करेंगे, सभी तरीकों से कहीं ना कहीं तो सवाल है जो मैच होएगा ही होएगा। अच्छा, इनमें थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस है, आओ अपने साधु पूरा पढ़ाई नहीं, सवाल तो पूरा पढ़ा ही नहीं, पढ़ लिया ना। जो भी आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है 50,000 रुपए, तो 19-20 वाले के लिए ठीक है, 75 थे आपके 21-22 के लिए, चलो ठीक है, और 25 थे 22-23 वाले के लिए, चलो ठीक है, तीनों को साइड में रख दिया, तीनों को साइड में रख दिया। जो पैसा बचा वो किसका गया, जो बचा वो करंट ईयर का पैसा गया, करंट ईयर का जो पैसा है वो कैश वाला है। तो यहाँ पर एडवांस की भी बात करते हैं,
एडवांस आपको बोला कि आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिले थे 1 अप्रैल 2020 को, यानी ओपनिंग जो एडवांस है वो कितना दे रखा है, ओपनिंग एडवांस 87,500, जिसमें से 37,500 आने वाले साल के लिए है, तो करंट ईयर का कितना है? अच्छा ऐसा लिखा हुआ है क्या लाइन? आओ दोस्तों एक एक छोटी सी चीज अपन यहाँ पर पढ़ना भूल गए, क्या है सबसे लास्ट के अंदर, आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, जो भी पैसा 1 अप्रैल 2020 को बाकी है उसमें से 37,500 रुपीज आर नो लॉन्गर है ये, ठीक है, नो लॉन्गर रिसीवेबल, यानी कि ये पैसा दोस्तों अब आपको रिसीव नहीं होने वाला है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, 3 चीजें मैंने आपको बता दी कि 18, 19 और 19 बजे तो दोस्तों आपके सामने अमाउंट है जो हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें अभी भी डिफरेंस है, अभी अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आपको बोला कि 37,500 रुपीज दोस्तों आपको ये पैसे अब नहीं मिलने वाले, जो कौन से साल से रिलेटेड है, 1 अप्रैल को जो बैलेंस दे रखा है ना, 1 अप्रैल को जो बैलेंस दे रखा है उससे रिलेटेड है। आपको यहाँ पर बोला 37,500 कौन साल के, 21-22 के, आप सोचेंगे कि 37,500 वही है जो आपके 21-22 वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं दे रखा, यानी आपको यह मानकर चलना है जो भी आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो एक तरीके से था कितना था, एक तरीके से अच्छा ये तो एडवांस वाला है ना, आउटस्टैंडिंग की बात है, आउटस्टैंडिंग कहाँ पर है, आउटस्टैंडिंग यह है 1 अप्रैल 2020 वाला, कितना है आपके आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपए, जिसमें से 50,000 रुपए दोस्तों आपको मिल चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, मिल चुके तो अपन उसको वहां पर एक तरीके से दिखा दिया मिले हुए अमाउंट को, लेकिन आपको यहाँ पर बोला कि इसमें से 37,500 रुपीज अब आपको नहीं मिलने वाले हैं। नहीं मिलने वाले मतलब क्या हुआ, नहीं मिलने वाले इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, 50,000 रुपए 50,000 रुपीज दोस्तों आपको एक तरीके से ओपनिंग का बकाया है। अभी एक हिसाब से देखें, हिसाब से देखें तो ओपनिंग का बकाया कितना है, हिसाब से तो ओपनिंग का 1,00,000 रुपए बकाया है, जिसमें से 50,000 रुपीज दोस्तों आपको यहाँ पर कैश मिल चुका है, और जिसमें अभी भी कितना अमाउंट, जिसमें अभी भी आपके 37,500 रुपीज आपको रिसीव नहीं होने वाले हैं, यानी आपकी स्टार्टिंग का बकाया अमाउंट कितना जाएगा, 1,00,000 में से 50 गया तो 50 में से 37,500 गया तो कितना बचता है, 12,500 रुपीज बचता है। इसको दोस्तों अपन क्या मानते हैं, इसको अपन एक तरीके से हमारे ओपनिंग का बैलेंस मानकर चल लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं, जिसको क्या किया जाता है, हमारे जो भी सब्सक्रिप्शन होते हैं ना उसमें से इस अमाउंट को अपन लेस करके दिखाते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में यहाँ पर जरूर जरूर पक्का 100% कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ऐसे कैसे अपन इस अमाउंट को कर सकते हैं, तो भाई साहब आपको इसको ऐसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। कैसे होगा, आपको यहाँ पर 18,00,000 रुपीज कैश में रिसीव हुआ, ये तो मुझे भी समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया, 50,000 रुपीज आपको एडवांस के अंदर पहले से मिल गया, ये भी आपको भी समझ में आ गया और मुझे भी समझ में आ गया। यहाँ पर जो आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपने यहाँ पर 1,25 एड किए ना, आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या क्या है, एक ऑप्शन तो आपके सामने है कि जो आपने 1,25 एड किया बहुत बढ़िया बात है, इस 1,25 में से आप ये जो अमाउंट है ना जो आपके 12,500 उसको क्या कर दो, इसको 12,500 को लेस कर दो, क्योंकि ये क्या है आपके लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस। एक बार अपन इसकी जोड़ करके देखते हैं, कैलकुलेटर भाई साहब एक बार पेश हो जाओ, इसकी जोड़ कर 18 और 19, 19-25 और 19-25-50 कितने होते हैं, आपके सामने अमाउंट होता है 19,75,000 रुपीज, आपके सामने जो अमाउंट है वो होता है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन क्या है, आपके सामने ऑप्शन है कि जो 1,25 है ना, इस 1,25 में से आपको पता है कि 37,500 आपके रिसीव नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये जो बैलेंस दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, ये बैलेंस आपको दे रखा है क्लोजिंग वाला बैलेंस दे रखा है, यानी इसके ऊपर तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कहां पर, इसका इफेक्ट पड़ेगा आपके ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस जहां आपको एक तरीके से मिलना चाहिए था 50,000 रुपए, उसमें से 37,500 नहीं मिलेंगे, डूब गए, डूबने की आपको दोस्तों अलग से एंट्री करके दिखानी पड़ती है, क्योंकि अपने यहाँ पर एंट्री करते हैं जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करते हैं, इसको मतलब डूबने के बाद राइट ऑफ करते हैं, सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जी हाँ मैं समझ गया, यहाँ पर आपके खूब सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना वो आपके कौन सा वाला है, वो सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करने वाला अमाउंट है। मैं समझा देता हूँ, एक सेकंड, डोंट वरी, चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं। मुझे बताओ ये कैश वाला समझ में आ गया क्या, करंट ईयर का जो आपको कैश में पैसा मिला है, आपको जो भी करंट ईयर का पैसा है, एक सेकंड, हाँ चैट बॉक्स में बताते जाओ ताकि अपन इसको अच्छे समझ सके। करंट ईयर का जो भी दोस्तों आपको पैसे की अपन बात करेंगे, 3 प्रकार के पैसा होगा, एक आपको कैश में मिला कितना 18,00,000 रुपीज दोस्तों आपको यहाँ पर कैश में मिला,
चलिए बहुत बढ़िया बात है। अपने को पता है कि जो भी पैसा अपने को इससे रिलेटेड पहले से मिल गया, जो भी पैसा इससे रिलेटेड अपने को पहले से मिल गया, यानी कि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, जो आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है हिसाब से तो कितना था, हिसाब से तो आपके एडवांस का बैलेंस था 87,500, लेकिन उसमें से 37,500 आपके किसी दूसरे साल का था, मतलब इस साल से रिलेटेड कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज, जो आपने दोस्तों इसके अंदर क्या कर दिया था, एड कर दिया था 50,000, यानी कि आपके जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 18+50 कितना होता है 18,50,000, आपके यहाँ पर जो अमाउंट है वो हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। आपको अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अपन ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पर पैसा डूब रहा है ना, तो डूब रहा है तो अपने को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आपका जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसका आपको बैलेंस कितना दे रखा है, बकाया कितना पैसा है, आपका आउटस्टैंडिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दे रखा है 1,00,000। कितना बैलेंस दे रखा है 1,00,000 दोस्तों आपके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। आपको ये बोला कि 1,00,000 में से 50,000 आपका क्या हो गया है, 50,000 आपको कैश में रिसीव हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, रिसीव हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब अब बकाया कितना हो जाएगा, अब बकाया हो जाएगा 50,000। लेकिन पता चलता है कि इसमें से भी 37,500 रुपीज क्या हो गए आपके, डूब गए हैं, यानी 1,00,000 में से 50,000 तो बचता, 50 में 37,500 बचते तो कितने बचते हैं 12,500 रुपीज आ जाएगा। ये आपके एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ये भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा, आपके ओपनिंग बैलेंस एक तरीके से हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया मुझे ये बताओ, ये आपके क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। जब ये दोस्तों आपके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो चुका है, आपको अच्छे से दिख रहा है, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसका नॉट एट ऑल, मतलब अभी भी नहीं बैठा दिमाग के अंदर, अलग तरीका काम में लेते हैं अपन, जितने तरीके हो सकते हैं जितने तरीकों से आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, पहले ये तरीका कंप्लीट कर देता हूँ फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। 37,500 एक तरीके से आपके ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, हिसाब से तो ओपनिंग एक था लेकिन 50 मिल गया, साफ साफ बोला था 50 मिल गया, कहाँ पे लिखा हुआ देखो ये रहा 50,000 फॉर 19-20, 50 मिल गया, 50 मिल गया, बकाया कितने, बकाया 50 है लेकिन उसमें 37,500 डूब गए तो बकाया कितने 12,500, तो ओपनिंग अपन 12,500 मान लेते हैं और आउटस्टैंडिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है जो दे रखा है उसी को अपन मान लेते हैं 1,25,000। 1,25,000 रुपए को अपन क्या मान लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मान लेते हैं। आप सभी को पता है आपका जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग एड होता है, क्या बोल रहे हैं, एक तरीका बताओ जो मेरे पल्ले पड़ जाए, ठीक है, हमारे सभी दोस्त बोले थे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी समझा दो सर, एक ही तरीका बता दो, मैं आपको सब तरीके बताता हूँ, सब तरीके आना अपने को इसलिए जरूरी है ताकि अपन आराम से इस क्वेश्चन को कर सके, ठीक है, एक सेकंड रुको। आपको पता है, अपन मेरे को ये बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, एडिया लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस, चलो एड होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, एडिया लेस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, एडिया लेस, हमारे दोस्त ने बताया लेस। आपके सामने अमाउंट कितना 18,50, 18,50 में ऐड करो कितना आपके 1,25,000 रुपए, इसमें से लेस करो कितना आपका 12,500 रुपए अमाउंट आ जाएगा आपके सामने, 18,50 और 1 कितना था 19,50, 19,75, 19,75 में से 12 जाएंगे तो 19,62,500 रुपए आपके सामने जो अमाउंट है वो आ जाएगा। यही आपके साथ मेरे हिसाब से बुक में आंसर दे रखा होगा, बिल्कुल। तरीके अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा एक तरीका देख लो, सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे पहले सबसे ऊपर क्या लिखो, सबसे ऊपर दोस्तों आप लिखो अमाउंट रिसीव्ड, सबसे पहले आप क्या लिख दो अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के अंदर दोस्तों आपको कितना पैसा रिसीव हुआ, पूरे साल में दोस्तों आपको पैसा रिसीव हुआ है 19,50,000, 19,50,000 रुपीज दोस्तों आपको पूरे साल में रिसीव है। अपने को सबको अच्छे से पता है कि जो भी अपने को पूरे साल का मिला है, अपन अभी भूल जाओ कि कौन सा पैसा किस साल का है, पिछले साल का है, करंट ईयर का है, एडवांस है या नहीं, सबको एक बार साइड में रख देते हैं। एक बार एक और चीज आप देखो ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल, आपको बोला है कि इस जो कोष्टक में दे रखी इन्फॉर्मेशन उसको साइड में रख दो, एक बार मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है, जो ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना आपको कि इस मतलब 19-20 का इतना है, 20-21 का इतना है, 21-22-23 का इतना है, इसको एक बार के लिए साइड में रख दो। अभी अपन फोकस करते हैं नंबर 3 वाला पॉइंट, क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020, आपको जो पैसा एडवांस में मिल गया है 1 अप्रैल 2020 को वो क्या है, वो अमाउंट दे रखा 87,500, यानी ये आपके लिए क्या है एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, इसके अंदर एड होता है। अब इसमें एड कर देते हैं हमारे सामने एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, जो हिसाब से कितना है, वैसे तो 87,500 रुपीज है,
87,500 है, लेकिन उसमें से 37,500 रुपीज आपके कौन सा है, किसी दूसरे साल का, करंट ईयर का नहीं, यानी करंट ईयर का एडवांस अपन मान के चले तो कितना हो जाएगा आपके सामने 50,000 रुपीज दोस्तों अपन इसके अंदर एड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये लाइन। अपन कॉस्ट ऑफ कॉल को एक बार के लिए साइड में रख दो, कॉस्ट ऑफ कॉल को साइड में रख दो। अपन ने बस क्या करा, हमारा जो भी एडवांस आपको मिला उस एडवांस को अपन इसमें ऐड कर दिया, कि पिछले साल का एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस हमेशा ऐड होता है। बाद में बात करें, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, आपको जो आउटस्टैंडिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग का जो ओपनिंग बैलेंस वो कितना दे रखा है 1,00,000 रुपए। हम सभी अच्छे जानते हैं कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, कुछ जो बैलेंस होता है, एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस और एक होता है आपके सामने क्लोजिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या किया जाता है, एड किया जाता है। कितना अमाउंट है 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपीज आपके इसमें ऐड हो जाते हैं। इसमें से अपन लेस करते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपके सामने कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दोस्तों आपके सामने दे रखा है 1,00,000 रुपए। यहां तक ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आप एक बार अमाउंट की कैलकुलेशन कर लो कि आपके स्टार्टिंग में पैसे कितने थे। आपके स्टार्टिंग के अंदर पैसे थे, मतलब पूरे साल में पैसे आए थे 1950, एडवांस आपको मिल रहे थे 50, मतलब कितने हो गए 20,00,000 रुपए। 20,00,000 में से 1,25,000 आपके आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब कितना हो गया आपके, हो गया 21,25। 21,25 में से 1,00,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब आपके सामने कितना आ जाएगा 20,25,000 रुपए दोस्तों। यहाँ पर आपके ये जो अमाउंट है वो आ जाएगा। ये आपको बात समझ में आई या नहीं है, यहाँ तक क्लियर है क्या? 20,25,000 में से 1,00,000 या तो 20,25,000। अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने साइड में रख दिया कि क्या मिला क्या नहीं मिला, उसको साइड में रख दिया। अपन ने बस ये देखा एडवांस का बैलेंस कितना था, एडवांस का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, एडवांस का जो भी आपका एडवांस बैलेंस था ओपनिंग वाला वो अपन ने ऐड कर दिया सिर्फ करंट ईयर का, ठीक है। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग ऐड कर दिया और आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग इसमें से लेस कर दिया, अमाउंट आ गया 20,25,000। अब ये जो पैसा है आप मानकर चल रहे हो कि ये पैसा आपके करंट ईयर की एक तरीके से क्या हो जानी चाहिए, करंट ईयर की एक तरीके से इनकम हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, क्या है वो ट्विस्ट, कहानी में ये ट्विस्ट है कि जो भी पैसा आपको ये जो 20,25,000 मिले ना, इसमें से कुछ पैसा आपके पिछले साल का है। कुछ पैसा कौन साल का है, पिछले साल का है। पिछले साल का पैसा है 50,000 रुपीज, जो आपके इसमें से माइनस हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ ना, वो पैसा इसमें से माइनस हो जाएगा। आपको बोला है कि कुछ पैसा 75,000 रुपीज अगले साल का है और 25 उससे भी अगले साल का है, मतलब आपके सामने जो नेक्स्ट ईयर का जो भी पैसा रिसीव हुआ है कितना, 25 तो 1 और 75 1, मतलब कितना टोटल 1,00,000 रुपए दोस्तों यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। बात यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई मुझे आप ये भी बता दीजिए, कंफर्म करवा दीजिए। आपको क्या हुआ, 50,000 रुपए आपको प्रीवियस ईयर का रिसीव हो गया, ठीक है ना, मतलब 50,000 रुपए आपको प्रीवियस ईयर का रिसीव हो गया, 1,00,000 रुपए आपको नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव हो गया। आप इसकी कैलकुलेशन करो, आपके अमाउंट कितना आएगा, आपके 1,50,000 इसमें से लेस हो जाएंगे तो 20 में से 1 गए तो 19, 19 में से 50 गए तो 18,50, 18,50 और 25 कितने होते हैं आपके 18,75,000 रुपीज दोस्तों आपके अमाउंट जो हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक बार फिर से जोड़ कर लो, 1,50,000 नहीं, पिछले साल का मिला है आपको 50,000 रुपए और नेक्स्ट ईयर का आपको मिला है 75 और 25, मतलब कितना 1,00,000 रुपए दोस्तों आपको आने वाले साल का मिल गया। एक्सेप्ट मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर का तो मैंने पहले से ऐड कर दिया ना इसमें, आउटस्टैंडिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो अपने दिखा दिया 1,25,000, लेकिन आउटस्टैंडिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000 रुपए हिसाब से इसके अंदर लेस होना चाहिए था। डबल लेस करे मेरे को ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा कहानी के अंदर ट्विस्ट है, क्योंकि अपन ने इन चीजों को पहले से ही एडलेस कर दिया है। एक बार फिर से समझा लेता हूँ, क्योंकि जो जितने आपके मेथड्स होंगे ना उतने ही कंफ्यूजन आपके भी होंगे और सबके एग्जीक्यूशन में होंगे। ये सवाल तो आसान है, जो मैंने इजी वाला तरीका बताया शायद हो सकता है वो आपके थोड़ा बेटा नहीं, लेकिन कोई नहीं, अपन इस तरीके से भी कर लेते हैं। आपने यहाँ पर दोस्तों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग में कितने पैसे बकाया थे, ओपनिंग में आपके 1,00,000 रुपए बकाया थे, उसको अपन ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। यानी अपन इसका मतलब समझना चाहे तो अपन यूं बोल सकते हैं, अपन ने मान लिया कि 1,00,000 रुपए अपने को रिसीव हो गए। क्या ये बात सही है या नहीं है, अपन ने मान लिया कि 1,00,000 रुपीज अपने को रिसीव हो गए हैं, तभी तो अपन ने लेस किया। ये इसीलिए करते हैं ना, आपको बताया होगा कि आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस अपन एड इसलिए करते हैं क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि ये पैसा अपने को फ्यूचर में मिलेगा, और आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस अपन इसलिए लेस करते हैं क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि जो भी पैसा मिला है उसमें से अपने को
जो ओपनिंग का जो पैसा है ना वो मिल चुका है। ओपनिंग का कितना पैसा मिल चुका है साफ साफ देख पा रहे हो, आपने दिखा दिया कि 1,00,000 रुपए आपको मिल चुका है। लेकिन अगर रियलिटी में घुसे तो रियलिटी में घुसे तो अपन दोस्तों कह सकते हैं कि ओपनिंग का 50 ही मिला है और 37,500 डूब गया। ओपनिंग का क्या है 50 ही आपको मिला है और 37,500 डूब गया है, मतलब दोस्तों 87,500 को अपन यहाँ पर क्या करेंगे एक तरीके से रिवर्स करेंगे। हेलो सपना कुमार जी स्वागत है सर। हेलो सर हैप्पी वाला बर्थडे, काउंटडाउन शुरू करें। अच्छा सपना जी हेलो वेरी गुड इवनिंग स्वागत है शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। काउंटडाउन अभी दूर है, 9th of July को हमारा बर्थडे। हाँ, तो दोस्तों जो आपको प्रीवियस ईयर का जो आपको रिसीव हुआ है, जो आपने यहाँ पर यह मान लिया कि मिल गया, आपने उसको लेस कर दिया, लेकिन आपको रियल में पैसा मिला नहीं है, अपन उसको क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। दक्षिणा बोले एक बार और समझा दीजिए इस सेशन का, एक बार 25 वाले क्वेश्चन को फिर से देख लेगा। मैंने खूब बार समझाने की आपको कोशिश करी है, करना क्या है। यहां तक सबके क्लियर हो गया, अपन आउटस्टैंडिंग को यहाँ पर क्लोजिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग को लेस करते हैं। ओपनिंग को लेस इसलिए करते हैं क्योंकि अपन यह मानकर चलते हैं कि यह पैसा अपने को मिल चुका है। लेकिन रियलिटी में बात करूं तो 1,00,000 नहीं मिला है आपको पिछले साल का पैसा, आपको पिछले साल का पैसा 50,000 ही मिला है और उसमें से भी 37,500 आपके और डूब गए हैं। यानी कि आप बात करें तो इसमें से जो 50,000 आपको जो मिला है रियल के अंदर वो, और जो पैसा डूबा है 37,500 वो, उसका आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे और जो बचा हुआ पैसा है ना आप दिखाएंगे कि ये पैसा आपके रियल के अंदर एक तरीके से आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस रहने वाला है। अगर आपको कहूं एक तो प्रीवियस ईयर का था और एक नेक्स्ट ईयर का जो रिसीव हुआ, प्रीवियस ईयर वाले को बाद में करते हैं। सर मैं आपका बर्थडे मजे से कोरोना फ्री बनाना घर में, बिल्कुल जी बिल्कुल मनाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वैसे भी कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लो नेक्स्ट ईयर का जो भी आपको पैसा मिला है नेक्स्ट ईयर का, और प्लस नेक्स्ट से भी नेक्स्ट ईयर का जो भी आपको पैसा मिला है कितना मिला है, एक तो मिला 25,000, एक मिला 75,000, टोटल कितना हो रहा है आपके, टोटल हो रहा है 1,00,000 रुपीज। इस 1,00,000 रुपीज दोस्तों इसमें से क्या कर दो, इस 1,00,000 रुपीज को इसमें से आप यहाँ पर लेस कर दो। तो लेस करोगे तो आपके सामने अमाउंट कितना आ जाएगा, लेस करोगे तो आपके सामने अमाउंट है वो आ जाएगा, एक बार जोड़ लीजिए, 19-25 में से 1,00,000 चलेगा तो कितने बचेंगे आपके सामने, बचेंगे 19,00,000 और कितना 25,000। इसको तो लेस ही करेंगे ना, इसको भी लेस नहीं करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर का जो पैसा आपको मिला है, जो अपन ने यहाँ पर कहीं पर भी एडवांस आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है, ठीक है, इतना पैसा आपको मिला, ये पैसा आपका फ्यूचर का तो वैसे भी रिलेटेड नहीं है, तो 20-25 होनी चाहिए लेकिन 19-25 ही है। एक सेकंड कैलकुलेट पैसा आपका है ताकि अपन जोड़ बाकी कर सके, एक सेकंड 19,25,000 है। ठीक है आगे बढ़े, 19,25 है ना, हाँ 1,19,62,500, ठीक है 37,500, चलिए बहुत बढ़िया बात, अच्छे समझ पा रहे दोस्तों। आपने अपने यार क्या बताया कि आपको पिछले साल का 1,00,000 रुपए मिल गया, लेकिन अपने को सबको पता है कि इसे मिला कितना, अपने को मिला तो सिर्फ इसमें से 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपीज अभी बकाया है, और 50,000 में से भी अभी भी आपकी जो एक तरीके से डूबा हुआ पैसा वो कितना है 37,500। भाई क्या बोले सर, आपकी तो एक क्लास यूट्यूब पर होता था, अनअकैडमी पर कैसे, हर जगह होता है, अनअकैडमी के ऐप पर भी है और यूट्यूब पर भी हमारी डेली क्लासेस जो लगती है। दोस्तों इसको थोड़ा सा बाइफर्केशन करना जरूरी है, आपने तो बता दिया कि हमारी करंट ईयर की इनकम कितनी है 19,25,000 रुपए है, लेकिन कुछ पैसा दोस्तों आपके यहाँ पर डूब भी तो गया है। रियल में कितना मिला है 50,000 रुपए मिला है, तो 50 मिला तो चलो बहुत बढ़िया बात है, अपन मान लेंगे कि हाँ 50 हमें मिल चुका है, लेकिन कितना मिला नहीं है दोस्तों, ये आपने तो दिखा दिया तो 1,00,000 है, लेकिन इसमें से 37,500 रुपीज आपके एक तरीके से क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। और ये लाइन आपकी लिखी हुई है कहाँ पर, ये देखो ये देखो 37,500 रुपीज आपके डूब गए। तो मुझे बताओ डूबा हुआ पैसा कभी मिलता है क्या, डूबा हुआ पैसा कभी मिलता है क्या, आप चैटबॉक्स में बताओ, मेरे को पता है आपके इसमें कंफ्यूजन होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए एक स्पेशल सेशन मेरे को थ्योरेटिकल वाला आपके लिए लेकर आना पड़ेगा, मैं लेकर आऊंगा, वो सब्सक्रिप्शन का टाइटल रहेगा राइटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, वो सेशन में आप देखना टाइटल क्या रहेगा, राइटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ कैसे किया जाता है, कोई डाउट तो पूछ लेना। सर मैं ना आपको लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ सचिन सर, प्राउड स्टूडेंट, अच्छा ऐसा, हाँ नमस्ते जी नमस्ते, एक बार चैट बॉक्स में लिखो तो सही, स्पेशल क्लास में आपके लिए स्पेशल लेकर आ जाऊंगा इस राइट ऑफ को समझाने के लिए। मेरे कहने का मतलब है आपने तो बता दिया आपको पैसे 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर हिसाब से देखें
हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पर 37,500 का पैसा है जो नहीं मिलेगा, जबकि आपने दिखा दिया कि वो पैसा तो आपको मिल चुका है। तो नहीं मिला वो आपने दिखा दिया, तो अपन इसको वापस क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। 37,500 को दोस्तों यहाँ पर एड किया जाता है। अंशुराज जी यहाँ ऐसा बोले ना, असली नाम से बताइए, आप पहचान गए आपको, ठीक है। 37,500 इसके दोस्तों आपके एड हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 1925 प्लस 30 होता है 1955, 1955 होता है 1962, और आपके सामने 19,62,500 जो अमाउंट है वो आ जाएगा। आपने बताया तो था कि पैसा कितना मिल गया, 1,00,000 रुपए, लेकिन आपको पैसा 1,00,000 नहीं मिलेगा, आपको 37,500 उसमें से डूब गया। तो डूबा हुआ पैसा इसमें से रिवर्स कर देते हैं, जो आपने लेस किया है उसको अपन वापस एड कर देते हैं। आपके सामने अमाउंट भी 1965 आ जाएगा। पिछले वाले में वैसे ही क्या, इसमें भी आपको ऐसा ही करना। क्या बोले गोटिट गुरु जी, थैंक यू, आज फोकस नहीं कर पा रही हूँ हमेशा की तरह, आपको ज्यादा परेशान कर ना, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, अपन आपको इसके लिए एक स्पेशल क्लास आपसे बातचीत करते हुए ले आएंगे। कहने का मतलब आप समझे होंगे कि आपको बस सिंपल तरीके से चलना है कि जो भी आपने किया है आप दिखाते जाओ, भूल जाओ कि आपको करंट ईयर से जो भी आपको करंट ईयर में पैसा मिला है ना वो किससे रिलेटेड है। जो रिलेटेड होगा उसका ट्रीटमेंट अपन बाद में कर देंगे। आपको पता है आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग एड होता है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग लेस होता है, एडवांस का क्लोजिंग लेस होता है, एडवांस का ओपनिंग एड होता है। वो सारे ट्रीटमेंट कर दो, जो अमाउंट आता है उसमें से देखो पिछले साल का कितना मिला है, कोई टेंशन नहीं, आने वाले साल का कितना मिला है वो भी देखो, आने वाले साल का जो मिला है ना उसको इसमें से क्या कर दो, आने वाले साल का जो भी मिला उसको लेस कर दो, क्योंकि ये पैसे पर हमारा कोई भी हक नहीं है। लेकिन पिछले साल के जो मिलने की बात है, अपन ने क्या बोला, अपन ने तो बोल दिया कि पिछले साल का मेरे को पूरा का पूरा ही मिल गया, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, उसमें से 37,500 डूब भी तो गए हैं। तो डूब गए तो डूबे हुए पैसों को इसमें से क्या कर दो, जो लेस कर दिए उसको वापस रिवर्स कर दो। हेलो यश जैन जी स्वागत है। 37,500 को अपन ने क्या कर दिया, वापस रिवर्स कर दो। अभी भी एक और बात कहूं, आपने तो मान लिया 1,00,000 रुपए मिल गया, लेकिन अभी भी जो अगर बात करें तो पिछले साल का जो बकाया है कितना बकाया है आपके सामने, 12,500, मतलब कितना 12,000 है ना, 12,000 नहीं, पिछले साल का बकाया है अभी भी, टोटल था 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए मिल गए, पीछे बचे 50 में 37,500 नहीं मिलेंगे, मतलब 12,500 एक तरीके से देखा जाए तो 12,500 रुपीज आपके अभी बकाया है। ये जो पैसा है ना, जो आपके अभी भी बकाया है पिछले साल का, दोस्तों ये पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसके अंदर, इस अमाउंट के अंदर, इस 1,25,000 के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये छोटा सा ट्विस्ट है, ये इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है ना दोस्तों। अभी अभी अपन ने हमारे जो पीछे के सवाल सीरीज है उसका एक क्वेश्चन अपन ने किया है, जो हमारी सीरीज चल रही है डेली अपन या फिर हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने इस वीडियो में भी अपन ने एक क्वेश्चन है जो कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर लेकर आता है, तो दोस्तों उनका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। एडिशनल मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आपको यंग कोडर्स का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मिल रहा है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आज डाउनलोड करें, कोड यूज करें सचिन असली। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस हमारी इस सीरीज के, हमारे पीछे के सवाल सीरीज के, अभी तो चल रहा है सिर्फ एक चैप्टर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा सचिन पारिक। दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो चैप्टर्स है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी हो, सभी क्वेश्चंस के अपन पीछे के सवाल सीरीज लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी।